नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुनिया सपनों के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज धनतेरस है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं इस त्योहार को आखिर मनाया क्यों जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के रूप में बिल्कुल अनुकूल बैठता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशा अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ये धनतेरस मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।